हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल सेटिंग को हम कैसे ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और कनेक्टिंग टूल्स पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा और आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जस्ट पर। जस्ट पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लिप टू म्यूट सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ से राइट साइड से ऑन कर देना। ऑन करते ही आपका किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि आपका इनकमिंग कॉल आता है, रिंग टोन बजती है, तो आप चाहते हैं कि जल्दी से रिंग टोन ऑफ हो जाए। तो आप जैसे ही आपका टेबल पे रखा है फ़ोन और इनकमिंग कॉल आती है तो आप इसे उठाकर फ्लिप करके रख दीजिए, यानी कि उल्टा करके रखेंगे फ़ोन तो आपका ये ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगा। यानी कि आप जैसे ऑफ़ करना चाहते हैं वो साउंड ऑफ हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।